अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप डाउटनेट ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डाउटनेट ऐप कैसे काम करता है। डाउटनेट ऐप का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैमरे पे क्लिक करना है और जो भी क्वेश्चन है आपका उस क्वेश्चन को खींच लेना है। खींचने के बाद उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फाइंड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से फाइंड करेगा और इसका सॉल्यूशन आपको दे देगा। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हेलो नमस्ते, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप हमारे 12th PCM सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें नोट्स, PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर एवं 5 ईयर के मॉडल पेपर इसमें मौजूद है। या प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th PCM सॉल्यूशन और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये पार्ट 2 बनाया जा रहा है प्रैक्टिस पेपर अनसॉल्व के। तो अनसॉल्व के प्रैक्टिस पेपर जो 1 था उसका पार्ट 2 ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब ये कहाँ से शुरू होगा? क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होगा, क्योंकि पहले पार्ट में आपने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने क्या क्या बताया था। मैंने बहुविकल्पी को बताया था और अति लघुत्तरी को बताया था, इन दोनों को मैंने बता दिया है। लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो लघुत्तरी फर्स्ट से शुरू हो रहा है। तो चलिए हम अनसॉल्व से क्वेश्चन शुरू करते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने यहां तक अंग तक आपको बता दिया था ये क्वेश्चन प्रायिकता तक, लेकिन ये पहला क्वेश्चन उठता है सभी खंड कीजिए। और ये है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आगे आप समझ लेंगे। किसी प्रयोग में नमक के 1 बिलियन का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य ही रखना है। फॉरेनहाइट पैमाने का तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। यदि सेंटीग्रेड तथा फॉरेनहाइट का परिवर्तन सूत्र क्या सूत्र लिखिए, जबकि सी बराबर हमें ये वैल्यू दिया गया है और सी सेंटीग्रेड वो फॉरेनहाइट में है। तो हमें क्या ज्ञात करना है वो पता हो गया। हमें क्या करना है, हमें बिलियन का तापमान भी दिया गया है और फॉरेनहाइट का तापमान परिसर ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करके हम बता देते हैं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन को ही ले लिया, उसी क्वेश्चन के आधार पे लगाएंगे। बोला है बिलियन का तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 30 डिग्री तथा 35 डिग्री के मध्य है। वो मध्य क्या है, बिलियन का तापमान है। तो ले लेते हैं 30 डिग्री से लेके सेंटीग्रेड किस पे है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यही चीज हमें बोला है। अब ये इन दोनों के मध्य है, मतलब इस तरह से, इस क्या है, लेस देन, ठीक है, इन दोनों के मध्य में हमारा ये दिख रहा है। और सी की वैल्यू भी हमें दिया है, सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, वो दिया था 5/9 f-32, ये सी की वैल्यू है। तो सी की वैल्यू हम वहां पे पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया सी की वैल्यू। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 डिग्री लेस देन सी की वैल्यू है 5/9 f-32 32 डिग्री पे, ठीक है, और ये लेस देन 35 डिग्री, इस तरह से हमें भी मिल गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने जिसको आएगा वही करेगा, नहीं जिसको आएगा वो नहीं कर पाएगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 9/5 × 30 डिग्री एंड लेस देन f-32 और लेस देन 35 डिग्री × 9/5। इस तरह से 9/5 यहाँ पे मिल चुका, 5 × 6 = 30, 6 मिल जाएगा, 6 × 9 = 44 लेस देन f-32 लेस देन, इसमें भी 5 × 7 = 35, 7 × 9 = 63, ये हो गया 63, ठीक है। अब इसके आगे समझिए, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, 54 और ये 60 कितना मिला है, 63 मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 2 हो जाएगा कितना, 6 5 3 8, 86 हो गया लेस देन, और ये 6 3 2 5 6 3 9, ये हो गया लेस देन, और ये एफ लेस देन, इस तरह से हमें मिल गया। देखिए दोनों में लेस देन है, इसकी वजह से इसमें जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया। अब देखिए हमारा क्या आया हुआ है, 86 और 95 आया हुआ है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः तापमान का परिसर, हमें परिसर पूछ रहा था, परिसर आया है 86 डिग्री, ठीक है, और 95 डिग्री, ये दोनों फारेनहाइट में आया हुआ है, फारेनहाइट है तो ये दोनों फारेनहाइट में आ चुका है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा है, ख नंबर, निम्न कथन को अवकल समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। रेडियम के विघटन की दर उसमें विद्यमान मात्रा क्यू के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे लगाना है। तो जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार मैंने ले लिया प्रश्न अनुसार, विघटन की दर क्या है, अनुक्रमानुपाती है विद्यमान मात्रा कितना, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी के, ये इसके विद्यमान है, तो लिखेंगे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी प्रपोजनल, ठीक है, क्यू। तो अब यहां से हम इस प्रपोजनल को हटाएंगे तो ये मिल जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इजिकल टू, ये मिल जाएगा के क्यू। अब ये माइनस हम यहां पे ले जाते हैं तो ये हमारा एक तरह से अवकल समीकरण मिल गया। ठीक है, अवकल समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना था, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सदिश ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये तथा सी बराबर ये एक समतली है। ये भी देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन है, पूछ रहा है ए बी सी क्या एक समतली है, तो चलिए हम सिद्ध करके बता देते हैं कि ए बी सी समतली है। देखिए यही बोला था क्वेश्चन, ए बराबर बी बराबर सी बराबर तीनों दिया गया है तो समतली है। देखिए इस प्रकार से हो सकता है क्वेश्चन में ये मान चेंज कर दे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए समतली कैसे होगा, समतली निकालने का सिंपल से फॉर्मूला है ए डॉट बी डॉट सी, अगर इन टोटल की वैल्यू अगर 0 आता है तो आप समझ लीजिए कि हमारा समतली मिल चुका। ए डॉट बी डॉट सी मतलब ए का गुणांक बी का गुणांक और सी का गुणांक तीनों को हमें डॉट के रूप में लिखना है, तो कैसे करेंगे ये देखिए, इसको हमें ग्राफ उसके करना है, सारणिक विधि से करना है। तो देखिए 2 2 माइनस 1 1, ये मिल गया हमें ए की क्या गुणांक, ए का गुणांक ले लेते हैं 2 माइनस 1 1, और बी का गुणांक क्या है 1 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस 3। इसी तरह सी का 3 माइनस 4 5 3 माइनस 4 5, ये मैंने ले लिया शारीरिक रूप में। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले 2 को कॉमन करेंगे, इसका गुणा करेंगे 5 दूनी के 10, अब माइनस ये हो गया 12। ठीक, अब इसी तरह इसको लेंगे तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 5 प्लस 9, +1 को लेंगे तीसरे को तो इसको छोड़ेंगे कॉलम रो को, तो इसका गुणा कर देंगे आपस में, ये हो जाएगा -4 -6। इस तरह से ये चीजें आप कर चुके होंगे इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -2 दूनी के 4, और प्लस ये हो जाएगा 9 5 14 1 14, अब माइनस ये हो जाएगा 10। ठीक, तो ये देखिए 10 और 4 14 मिलके 14 -14 मिल गया, मतलब घट के अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी एक समतली है। अगर इतना करते हैं तो आपको 2 मार्क्स पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, गणित का एक प्रश्न 2 विद्यार्थी ए तथा बी को हल करने हेतु दिया जाता है, उनके द्वारा प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता क्रमशः दिया गया है, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता हमें बताना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में जो बोला था मैंने क्वेश्चन को ही लिख लिया है और इसको बताते हैं। देखिए बोला है प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता दिया गया 1/2 2/3, हल किए जाने की दिया है, ये ए का है ये बी का है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम यहां से हल करना शुरू करेंगे, तो ये तो हो गया क्वेश्चन, इसको हल कैसे करेंगे, लिखेंगे ए द्वारा हल, हल किए जाने की या होने की, होने की प्रायिकता, ए द्वारा हल होने की प्रायिकता हमें क्या निकलेंगे, अगर 1 में से ये पहली प्रायिकता घटा लेते हैं तो हमें हल होने की प्रायिकता मिल जाएगी, 2 कम 2 में से 1 घटा देंगे 1/2, ये हो गया। इसी तरह से बी को लेते हैं, बी द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं, मैं आपको समझा देता हूं फिर से। देखिए प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता, ये प्रश्न के हल किए जाने की है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, प्रश्न के हल न, यहाँ पे मैं भूल गया, न होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 में से 1/2 को घटा देंगे, और इसमें बी के लिए बी में भी न होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 में से 1 2/3 को घटा देंगे, तो ये न होने की प्रायिकता मिल जाएगा। ये होने की प्रायिकता है और ये हम निकाले न होने की प्रायिकता, दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसको निकालेंगे तो 3 कम 3 में से 2 घटा दे, ये भी आ जाएगा 1/3, इस तरह से हमें मिल गया। तो अब निकालना है ए और बी दोनों के
द्वारा प्रश्न न होने की प्रायिकता। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला, ए के न होने की प्रायिकता 1/2 आ गया, बी के न होने की प्रायिकता 1/3 आ गया। अब दोनों के न होने की प्रायिकता क्या होगा, तो दोनों के न होने की प्रायिकता हमें निकालने के लिए 1/2 × 1/3 का गुणा कर देना पड़ेगा। ये पहले का, ये दूसरे का गुणा हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया दोनों के न होने की प्रायिकता। लेकिन हमें एक्चुअल में क्वेश्चन ज्ञात करना था, जो उसके अनुसार चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। हमें यही ज्ञात करना था कि प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, ये हमारा क्या निकला, ये प्रश्न हल न होने की प्रायिकता निकला है, ये न होने की प्रायिकता निकला हुआ है, लेकिन हमें निकालना है हो जाने की प्रायिकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे 1 में से 1/6 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना करते हैं तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या फलन fx बराबर tan x x epsilon 0 pi, यहां पे दिया गया है एलिमेंट क्या दिया है 0 से पाई तक, पर रोले की प्रमेय लागू होती है। हमें यही बताना है कि क्या fx बराबर tan x पर 0 से पाई तक रोले की प्रमेय लागू होती है, अगर होती है तो कैसे होगी, नहीं होती तो कैसे नहीं होती है, ये करना है, 2 अंक इस पर मिलेगा, तो चलिए इसको करते हैं। तो यही क्वेश्चन है, fx बराबर tan x और x बिलोंग 0 से पाई तक हमें दिया गया है, तो रोले का प्रमेय लागू होगा या नहीं, चलिए इसको बता देते हैं। तो यहां पे मैंने कर लिया है, फलन fx अंतराल 0 पाई में सतत नहीं है। देखिए ये 0 पाई में अगर सतत नहीं है तो रोले का प्रमेय इसमें लागू नहीं होगा। आपको ये निकालना पड़ेगा कि क्या fx बराबर tan x में 0 और पाई सतत है। अगर आपको सतत है निकालने आ गया तब तो ठीक है, नहीं निकालने आया तो आप क्या कीजिए, इसके हमारे वीडियोस देखिए पीछे का, जो मैंने सतत के लिए बनाया है प्रश्नावली 5.1 और 2, उसमें मैंने आपको बताया कि सतत कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, सदिश i-2j+2 के अनुदिश 3 लंबाई सदिश ज्ञात कीजिए, इसके अनुदिश समय 3 लंबाई सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए हमें एक दिया गया, ये सदिश है, यही सदिश दिया है, इसी के क्या अनुदिश, इसके अनुदिश 3 इकाई के सदिश हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे सदिश, सदिश क्या है, i-2j+2k, ये हमारा एक सदिश दिया है, इसके अनुदिश अनुदिश इकाई सदिश। ठीक है, इसके अनुदिश इकाई सदिश क्या हो जाएगा, i-2j+2k और इसका मापांक i-2j+2k, ये हो गया इसके अनुदिश इकाई सदिश। ये केवल एक के लिए हो रहा है, अभी 3 के लिए नहीं हो रहा है, हमें 3 इकाई निकालना है, अभी एक के लिए हो रहा है ये। तो इसका मापांक निकालेंगे, ऊपर तो हो जाएगा सेम टू सेम, उसको कोई चेंजेस नहीं करना है, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसके गुणांक 1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से। तो 4 4 8 1 9, ये रूट से बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, i-2j+2k/3। ये केवल एक के लिए है, एक इकाई के लिए अनुदिश है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें 3 इकाई के लिए निकालना है। तो लिखेंगे 3 इकाई के लिए, या 3 इकाई के लिए अनुदिश अनुदिश सदिश। तो 3 इकाई के लिए निकालना है, तो 3 × i-2j+2k/3, ये टोटल के टोटल एक इकाई के लिए है, तो हमें 3 इकाई का निकालना है, तो 3 से 3 यहां पे कैंसिल करेंगे, हमें मिल जाएगा i-2j+2k, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पे आप इतना करते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, 2 बल F1 = A, F2 = A एक कण को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाते हैं, बलों द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, हमें किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो चलिए हम W ज्ञात करते हैं। तो
तो क्वेश्चन में हमें F1 की वैल्यू दिया है, F2 की वैल्यू दिया है, A का बिंदु दिया है, B का बिंदु दिया है, बोला है किया गया कार्य W क्या होगा। तो हम जानते हैं W बराबर होता है F×D, ये फॉर्मूला होता है, और F बराबर हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे F1 F2 निकालना है, तो हम निकालेंगे F मतलब कुल बल। F क्या होता है? कुल बल बराबर F1 प्लस F2 होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे F1 की वैल्यू रखेंगे 3i माइनस 2j प्लस k, अब प्लस करेंगे, F2 की वैल्यू है i प्लस 3j माइनस 5k, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये F की वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 और 1 4i, ये घटा देंगे प्लस j और ये घटा देंगे माइनस 4k, इस तरह से F की वैल्यू मिल गया। अब हमें D ज्ञात करना है, डी ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि AB बराबर होता है OB माइनस OA, ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है दूरी, तो यही चीज हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो AB ज्ञात करने के लिए पहले B की वैल्यू रखेंगे, फिर घटा के A की वैल्यू रखेंगे। B की वैल्यू है 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका हम सभी में सदिश लगा लेंगे, जो हमारा यहाँ पे बिंदु दिया है 2 माइनस 7, ये दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया AB बराबर OB माइनस OA की वैल्यू रख लिया। अब AB बराबर याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 i हो गया, 7 इससे घटा देंगे तो माइनस 6j हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो, ये माइनस 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 8 हो जाएगा, ये क्योंकि ये माइनस में है, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक, फिर ये भी हो जाएगा माइनस 5 और ये हो जाएगा प्लस 2k, तो ये मिल जाएगा माइनस में ही मिलेगा माइनस 3k, इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल गया। तो ये वैल्यू AB है या डिस्टेंस दूरी है, तो ये हमें निकल चुका है। तो लिखेंगे W बराबर कार्य बराबर F×D। F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू थी 4i प्लस j माइनस 4k इंटू D की वैल्यू मैंने ये निकाला है 4i माइनस 8j अब माइनस 3k। इसका डॉट गुणा करेंगे, 4 का 4 में गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16 और यहाँ पे 8 एकम 8 और यहाँ पे 3 चौके 12 प्लस 12 कितना हो गया, 12 और 16। तो पहले इसको घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 और इसको जोड़ लीजिए तो 12 8 20, टोटल हमें 20 क्या मिल जाएगा, 20 इकाई, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए घ नंबर, इसमें लिखा है निम्न सारणी के सहायता से यादृच्छिक बंटन तथा बंटन है अथवा नहीं है। एक्स दिया है 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू है, इसका अलग अलग वैल्यू दिया गया, तो हमें क्या क्या करना है, यादृच्छिक बंटन है या नहीं है, तो चलिए बता देते हैं। तो चलिए यादृच्छिक बंटन के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए वो हम बता देते हैं। तो यादृच्छिक बंटन के लिए अगर टोटल प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू अगर 1 आ जाता है तो यादृच्छिक बंटन है, अगर एक्स नहीं 1 नहीं आता है, इससे कम आता है या बेसी आता है तो बंटन नहीं है। देखिए अगर ये माइनस में आ जाता है तो बंटन नहीं है, 1 आता है तो है, अगर ये 2 आता है तो नहीं है, केवल 1 पे होगा बाकी किसी पे नहीं होगा। तो चलिए जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है 0.3, 0.1, 0.2, 0.4, इन सभी को हमें ऐड कर लेना है, तो कर लेते हैं बारी बारी से ऐड। क्या क्या था, तो यहां पे लिखेंगे कुल योग, कुल योग बराबर पहले था 0.3 प्लस 0.1 अब प्लस 0.2 अब प्लस 0.4, जोड़ते हैं 3 1 4 2 6 4 10, तो ये हो गया 10, एक स्थान पे 10 मिलो। अगर ये 1 आ चुका तो ये है यादृच्छिक बंटन है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है पांचवा। अब देखिए ये 5-5 नंबर का आएगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन 5-5 नंबर का आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ रहा है। सिद्ध कीजिए कि tan−1 + tan−1/2 + tan−1/3 = π/2, ये त्रिकोणमितीय फलन का सवाल है, चलिए इसको बता देते हैं। तो यही क्वेश्चन में था tan−1 + tan−1/2 + tan−1/3 = π/2, ये हमें करना था, तो चलिए इसको सॉल्व करना है। तो tan−1 की वैल्यू क्या होती है, 1 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, तो इसको हमें ऐसे लिखना है tan−1 को केवल लिखना है। देखिए tan−1 तो मैंने tan−1 से लिख लिया और 1 को लिखना है tan π/4। ठीक है, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, प्लस लगाते हैं। अब tan−1/2 है तो यहां पे हमें क्या करना है, इन दोनों का फॉर्मूला लगाना है, tan−x + tan−y,
देखिए ध्यान से समझिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y होता है तो लिखेंगे x का गुणा, x का क्या है 1/2 प्लस y का है 1/3 अपॉन फॉर्मूला में 1 - 1/2 इंटू 1/3 होता है, तो ये मैंने लगा लिया फॉर्मूले से। ठीक, अब आगे देखिए ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक इनवर्स है और एक इनवर्स नहीं है, तो यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा क्या, एलसीएम हो जाएगा ऊपर 5/6, नीचे 3 × 6 = 6 में से 1 घट जाएगा 5/6, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स, अब ये मिलेगा 1, कट के टोटल मिलेगा 1, तो 1 को फिर से लिखना है tan पाई बाई 4 लिखना है, तो tan से tan कैंसिल काट दीजिए, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, पाई पाई मिलके 2π हो जाएगा, तो 2 से काट दीजिए पाई बाई 2 आ जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था पाई बाई 2 वो यहाँ पे आ चुका है। इतना करने से अगर 5 नंबर मिलता है तो आसानी से आप ले लीजिए, यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, लेकिन आप इसे कर लीजिएगा, 100% एकदम सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि -a² ab ac ab - b² bc ac bc - c² = 4a² b² c², ये सारणिक का क्वेश्चन है। तो चलिए जो जो इसको नहीं लगा पाए उसको मैं बता देता हूँ, जो लगा चुके हैं बहुत अच्छी बात है उनकी तैयारी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रश्नावली 4.2 से क्वेश्चन नंबर 7 से लिया गया है, ये जो कि अनसॉल्व में इस बार पूछा गया है, तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद सभी में देखिए ए मौजूद दिख रहा है, ठीक है, ए सभी में ए मौजूद दिख रहा है और इसमें बी मौजूद दिख रहा है, इसमें सी मौजूद दिख रहा है, सभी कॉलम में देखिए इसमें ए ए ए बी 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 सी सी सी, तो हम यहीं पे वही चीजें कॉमन करेंगे, ए बी सी ये कॉमन करते हैं, तो यहां पे क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा पहले नंबर पे -a b c, फिर मिल जाएगा a - b c, फिर इसमें से मिल जाएगा ab - c, इस तरह से हमें मिल गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, c1 c2 c3 से क्रमशः क्या है, क्या a b c, क्या करना है उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहां से आप C1, C2, C3 से उभयनिष्ठ लेंगे। देखिए जो पहले में से मैंने ये सब क्या किया था, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं कि R1, R2, R3 से उभयनिष्ठ, ठीक, R1, R2, R3 से उभयनिष्ठ मैंने किया ये ABC, तो इस तरह से ये मिल गया, और इसमें से अब हमें C1, C2, C3 से क्रमशः ABC उभयनिष्ठ लेना है, ये C1, C2, C3, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें R1, R2, R3 से मैंने अलग अलग ले लिया था। ठीक, लेने के बाद जो हमें मिला है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, अब हमें मिल जाएगा आगे a² b² c² अंदर मिलेगा 0, अंदर मिलेगा हमें -1 1 1, और यहाँ पे 1 - 1 1, और ये 1 1 - 1, इस तरह से हमें मिल जाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे 4 लाना है, तो मतलब इसको सॉल्व करके 4 लाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है जब इसको सॉल्व करेंगे तभी 4 आना चाहिए, क्योंकि 4a² b² c² तो आ चुका है, बस 4 चाहिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एल्गोरिदम लगाएंगे, R1 में लिखना है क्या R1 + R2, इससे हम ज्ञात करेंगे, R1 में हमें क्या लिखना है R1 + R2 से, तो क्या मिल जाएगा a² b² c², ये तो हमारा बाहर है ही, अंदर मिल जाएगा देखिए R1 + R2, इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 2, 1 - 1 1 1 1 - 1, इस तरह से हमें मिल गया। आप यहाँ पे ये भी एल्गोरिथम उपयोग करके ऐसे ला सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप कि ये स्टेप ना करें तो आप यहीं पे एक चीजें कर सकते हैं, पहले क्या करिए -1 को कॉमन कीजिए, इसको कॉलम रो को छोड़ के इसका गुणा कीजिए, फिर इसको लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमन इसलिए ये चीज इसलिए किया क्योंकि ये छोटा हो जाएगा तो और आसानी रहेगी सॉल्व करने में। अब इसको लेंगे a² b² c², ठीक, पहले 0 को लेंगे तो ये टोटल 0, दूसरे को लेंगे तो टोटल 0, अब लेते हैं 2 को,
जब दो को लेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉलम रो को छोड़ेंगे ये गुणा हो जाएगा आपस में, तो ये मिल जाएगा वन प्लस वन, ठीक, वन वन टू, दो दूनी के चार, तो ये मिल जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो हमें लाना था इस तरह से आप ला दीजिए और पांच नंबर के ये क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है यहाँ पे इंटीग्रेशन, अपर लिमिट टू है, लोअर लिमिट माइनस वन है, टू के पावर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बताना शुरू करते हैं। देखिए इसमें हमें पांच खंडों को हल करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच छह, छह टू दिया है टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह में से पांच करने हैं, तो पांच इसमें करने, जो जो सरल है वो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए एक ये सरल दिख रहा है, ये सरल दिख रहा है, ये सरल, ये सरल, ये तीनों सरल दिख रहा है। अगर ये कठिन लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको इसको भी बताऊंगा, छह का छह मैं तो बता दूंगा क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है तो किसी एक को छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यही है, इंटीग्रेशन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट माइनस वन टू पावर एक्स डी एक्स, तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा ए पावर एक्स डी एक्स का, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, इसी फॉर्मूले के बेस पे हमें इसको रखना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर जब लगाऊंगा तो आप माइंड लगा लीजिएगा कि इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये हो जाएगा टू पावर एक्स अपॉन लॉग टू, ठीक, अपर लिमिट टू है ये माइनस टू, इससे आप पता कर सकते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा, इससे ये है कि ए पावर एक्स अपॉन लॉग क्या, लॉग एक्स, ये हमारा बन रहा है इसका सॉरी लॉग ए, ये बन रहा है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक, इसी फॉर्मूले के बेस से इसको मैंने इसको रख लिया। रखने के बाद लिमिट को लगा देना है, तो लिमिट लगाएंगे तो टू पावर पहले एक्स को रखेंगे तो ये हो जाएगा टू, एक्स के स्थान पर पहले टू रखेंगे तो ये मैंने रख लिया, ठीक, और वन अपन लॉग टू इसको बाहर कर लेते हैं, इसको बाहर करके पहले मैंने इसको रख लिया, फिर माइनस लगा के अब लोअर लिमिट को लगाते हैं, तो टू के पावर माइनस वन रखेंगे, ये लगा लिया। फिर इसके आगे समझिए, इसके आगे वन अपन इसको छोड़ देते हैं, तो वन अपन लॉग टू इसको छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा फोर माइनस, ये हो जाएगा वन अपन टू, ठीक, फिर दो चार दूनी के आठ में से एक जाएगा, सात बटे के दो मिल जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे वन अपॉन लॉग टू और ये सात बटे के दो, ठीक है, इस तरह से हो गया, सात बटे के दो आगे लिख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सात बटे के दो लॉग टू, इस तरह से आप इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें भी आपको पांच नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, बिंदुओं ए तथा बी के स्थिति सदिश क्रमशः यहाँ पे दिया है और बिंदु सी के रेखाखंड ए बी को वन संबंधित दो में विभाजित करता है, बिंदु सी का सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी दो का दिया है, सी का ज्ञात करना है और एक संबंध भी दिया है, तो चलिए सी को हम ज्ञात करके बता देते हैं। तो यही क्वेश्चन दिया था, ए का मान बी का मान दिया है और ए बी को एक संबंधित दो के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक फिगर के अनुसार बताएंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है बिंदु, ठीक है, ये हमारा ए बी बिंदु है और इसी के बीच में एक बिंदु सी है जिसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक, तो हम इस बिंदु को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और यहां से एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए ये ओ नाम ले लेते हैं, तो ए का हमें दिया गया मान और बी का मान दिया है और इन ए और बी को कितना, एक संबंधित दो के अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब ये एक है तो ये इसका दो गुना है, ये टोटल ये दो के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ए का तो बिंदु हमें दिया गया है, बी का दिया है, सी का बिंदु नहीं दिया गया है, इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसी को हम ज्ञात करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सी बराबर ओ सी कह सकते हैं सीधे, ओ सी बराबर ओ सी का इस रेखा का हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वन इंटू ओ बी प्लस टू इंटू ओ ए अपॉन वन प्लस टू, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, समझिए वन इंटू ओ बी, ये ओ बी, वन इंटू ओ बी प्लस टू इंटू ओ ए, ठीक है, अपॉन वन प्लस टू, इसमें हमें मान को रखना है, तो वन इंटू ओ बी, ओ बी का मतलब है जो हमें मान दिया गया है, ये बी का मान 3j प्लस 8k, तो ये हम मान रखेंगे 3i है, सॉरी j नहीं है, 3i प्लस 8k प्लस 2, ओ ए का मान है 2i प्लस 3j, ये मान मैंने रख लिया, अपान 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो वही टोटल का टोटल मिल जाएगा 3i प्लस 8k
प्लस दो दूनी के चार आई और प्लस तीन दूनी के छह जे मिल जाएगा अपॉन थ्री। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, तीन और चार इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेवन, जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा सेवन। चलिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आई यहाँ पे है, ये तो जे है, तो ये हो जाएगा फोर आई जे, थ्री जे यहाँ पे सिक्स जे, ये मिलकर हो जाएगा नाइन जे, और के हमारा एट के है तो प्लस एट के, टोटल के अपॉन थ्री। इस तरह से आप इसको छोड़ दीजिए या तो इसको इस तरह से भी लिख लीजिए, फोर आई प्लस नाइन जे प्लस एट के, इस तरह से भी करके छोड़ दीजिए, आपको पूरे पांच मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, इस क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मान दिया है एक्स के किन मानों के लिए उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट है। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट का यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ज्यादा लोग इस पे कमेंट करेंगे सर इसका वीडियो बनाइए, जबकि इसका वीडियो मैंने बना दिया था। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए इसको बताएंगे, जिसको नहीं समझ में आता वो इस क्वेश्चन से समझ लेगा। तो क्वेश्चन यही है, एफ एक्स बराबर एक्स पावर तीन माइनस तीन एक्स प्लस चार। तो बोल रहा है एक्स के किन मानों के लिए फलन एफ एक्स क्या होगा, उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट, वो फलन वो मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू दिया है इससे हम क्या करेंगे, पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हम मान लेते ये, तो यहाँ पे हमारा इसका अवकलन मिल जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर अब माइनस थ्री, सॉरी माइनस थ्री, ये हो गया, इसको मान लेते एफ डैश एक्स, क्योंकि इसका भी अवकलन हो गया। ठीक, तो हमें ये मिल जाए, अब इसका डबल पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इजिकल टू, ये हो जाएगा सिक्स एक्स, ये तो जीरो क्योंकि ये कॉन्स्टेंट अचर है। ठीक, तो हमें उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो या एफ एक्स बराबर जीरो रखना पड़ेगा। यहाँ पे एफ एक्स दिया है तो हम एफ एक्स लेंगे, अगर ये वाई होता तो हम डी वाई बाई डी जीरो लेते हैं। ठीक है, तो हम ये लेते हैं क्योंकि वाई तो हमें नहीं दिया तो हम ये चीजें यूज करेंगे, तो ये मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इजिकल टू जीरो। ठीक है, कहां से देखिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इजिकल टू मैं जीरो रख लिया। ठीक, एफ डैश एक्स को लेना है तो यहां पे मैंने जीरो रख लिया, तो यहां से मान निकालेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर इजिकल टू थ्री, एक्स स्क्वायर इजिकल टू वन, तो एक्स बराबर प्लस माइनस वन, एक्स बराबर हमें प्लस माइनस वन मिल चुका है। ठीक, अब एक बार प्लस वन को लेते हैं, एक बार माइनस वन को, तो लिखेंगे एक्स बराबर वन के लिए, जब हम प्लस वन लेते हैं तो उस कंडीशन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स, ये कह लीजिए। ठीक, एफ डबल डैश एक्स बराबर सिक्स हो जाएगा, क्योंकि सिक्स एक्स था, एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स, और दूसरे कंडीशन में एक्स बराबर माइनस वन के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस सिक्स। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या कि किस पे उच्चिष्ट है किस पे निम्निष्ट है, आपको आप देखने से पता चल गया होगा कि एक फलन प्लस में आया एक माइनस में है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें इससे पता चल रहा है कि ये फलन जो सिक्स है वो क्या है, निम्निष्ट है, जो प्लस में आता वो निम्निष्ट है और माइनस सिक्स ये फलन क्या है, उच्चिष्ट है। यही हमें मान ज्ञात करना था, इतना करने से आपको पांच नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, y बराबर x के पावर साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो चलिए इसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन है y बराबर x के पावर साइन x, देखिए हो सकता है कि ये साइन x पूछे या cos x tan x कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी मान पूछेगा हमें लगा लेना है। तो ये भी एक चर है, ये भी हमारा एक चर के चर है। ठीक है, तो दोनों फलन है, चर रहे या ना रहे हमें क्या देखना है, फलन, अगर दोनों फलन है, फलन का पावर फलन है, तो हमें हमेशा लॉग का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या जब दोनों फलन हो तो हमेशा लॉग का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे तो फलन का फलन हो या तो फलन के पावर फलन हो,
ध्यान में रख लिए। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। क्लियर है। अब इसके बाद हम यहां पे करेंगे लॉग एम पावर एन, तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक, ये पावर से आगे आगे फॉर्मूला लॉग का लगा दिए, लॉग एम पावर एन का, और इधर है लॉग वाई। अब करेंगे एक्स के सापेक्ष, क्या हो जाएगा लॉग वाई का हो जाएगा वन अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब प्रथम फलन इसको बना लीजिए, सेकंड फलन इसको, दो फलनों के गुणन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, लिखेंगे प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो साइन एक्स वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर है। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन मैंने कर लिया। इसके बाद अब इस वाई को भेजना है नीचे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर y यहां पे आ गया साइन x अपॉन x प्लस log x cos x। ठीक, अब ये जो y है, अब ये y कहां से मिलेगा, y बराबर x के पावर साइन x, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है तो हम यही चीज पुट करेंगे, तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर x के पावर साइन x, ये हो गया इसके स्थान पे, और बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए, प्लस log cos x। इस तरह से करने से आपको पांच नंबर पूरे मिल जाएंगे अगर आप इस तरह से करते हैं तो। चलिए अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है, किन्हीं पांच खंडों को हल कीजिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, और इसके बाद इसमें क ख ग घ है, फिर सेवन है, फिर एट है, फिर नाइन, इन सभी को इसके अगले वाले पार्ट में बना के टोटल पूरे खत्म कर देंगे, तो ये पहला प्रैक्टिस सेट एक तरह से खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद आएंगे इसके प्रैक्टिस नंबर टू पर। तो यदि वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले इसे लाइक जरूर करें, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।